मिर्ची का अचार, और ये मैंने मिर्च ली है, इनको मैंने धो के अच्छे से सुखा दिया है। जब भी किसी चीज किसी भी सब्जी का अचार बनाते हैं तो हमेशा उसको धो के अच्छे से सुखा लें, और नेचुरल तरीके से सुखाएं। अगर आप इनको पोंछ भी देते हैं तो भी इनमें मॉइस्चर रह जाता है, तो एटलीस्ट 1 घंटे के लिए इनको छोड़ दें खुले में। ये मैंने टिश्यू में इस तरीके से छोड़ दिए थे। ये मैंने लिया है ऑयल, लिया है ये 1 कप के करीब ऑयल है, जिसमें से हम आधा कप यूज करेंगे मसाले में डालने के लिए और आधा कप हम ऊपर से डालेंगे इसमें। ये मैंने लिया है 1 स्पून, मैंने बड़ा स्पून लिया है रेड चिली, मस्टर्ड सीड्स ली हैं जिन्हें हम राई भी बोलते हैं, ये ली है 4 टेबल स्पून, मेथी ली है 2 टेबल स्पून, सौंफ लिया है 2 टेबल स्पून, जीरा लिया है 2 टेबल स्पून, ये हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून है, 1 स्पून लिया है वेनेगर, जिसे सब ये व्हाइट वेनेगर यूज कर रहे हैं हम। सॉल्ट लेंगे हम, ये मैंने 1.5 चम्मच लिया है, 1.5, और हींग यूज करेंगे 1 पिंच के करीब। तो सबसे पहले हम मस्टर्ड सीड्स, मेथी सीड्स, जीरा और सौंफ को ड्राई रोस्ट करेंगे और इसका पाउडर बनाएंगे। ये हमने ड्राई रोस्ट मसाले को पीस दिया है अच्छे से, थोड़ा इसे मैंने दरदरा रखा है क्योंकि ये अच्छा लगता है इस तरीके से। अब हम इसमें नमक डालेंगे, हल्दी, और ये डाली हमने लाल मिर्च, मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें पहले हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। ये हमारा मिक्स हो गया है मसाला अच्छे से। हींग डालेंगे इसमें हम, तो ये हमारा अचार का मसाला बनके तैयार हो गया है। और अब हम ये जो मिर्चें हैं हमारी, इनको इस तरीके से बीच से कट करेंगे और इसके अंदर ये मसाला हम स्टफ करेंगे। तो ये इस तरीके से हो गया। इसी तरीके से हम बाकी मिर्चों का भी मसाला भरेंगे। तो ये हमने सारे मसाला भर दिया है सारी मिर्चों में इस तरीके से, और अब हम इसको इस मर्तबान में डालेंगे। और मैंने ऑयल भी गर्म कर दिया है और उसे ठंडा होने रखा है। जब हम ये सारी मिर्चें इसमें डाल देंगे और ऑयल बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, फिर हम वो इस मर्तबान, सबसे पहले हम इसमें ये मिर्चें डालना शुरू करेंगे अंदर। तरीके से मैंने पूरे मर्तबान में मिर्ची भर दी है अच्छे से, और ये ऑयल गर्म कर दिया है और अभी ठंडा हो गया है, तो अब हम इसको इसमें डालेंगे। और ये ऑयल डालने के बाद अब हम इसे बंद करके अच्छे से घुमाएंगे, मिक्स करेंगे इसको हम। तो ये देखिए, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और अच्छे से घुमा दिया है इसे, मिर्चों में भी ऑयल आ चुका है। तो ये हमारा अचार बनके तैयार हो गया है। इसकी शेल्फ लाइफ 2 से 3 महीने होती है, पर आप, मैं इसको रेकमेंड करूंगी क्योंकि ये इंस्टेंट है, तो और आप इसे कल से ही खा सकते हैं, इसे धूप में सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको जितनी जल्दी खाएं उतना अच्छा है, लेकिन ये 2 से 3 महीने तक चलेगा आपका, क्योंकि जब आप धूप में सुखाते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली जब हम विनेगर डालते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए।